मंगलवार 20 फरवरी 2024 कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग बीकानेर। राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंदर इस कार्यालय द्वारा लक्ष्य रखा गया है लगभग 11,000 सर्विस बुक्स उनके विभाग भिजवानी है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, सर्विस बुक के बस्ते बहुत ही करीने से सजाए गए हैं। इन सभी पे लगभग कवरिंग लेटर लगा दिया गया है और अब ये डिस्पैच होने के लिए तैयार है। आप समझ सकते हैं 11,000 सर्विस बुक एकदम एक्यूरेसी से उनके ही ऑफिस में पहुंचाना रियली अ हरक्यूलियन टास्क। PR7 00 सेकंड मनीष शर्मा कार्यरत हैं। मनीष जी, आप बताएंगे इस बारे में कुछ? सर, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारी ज्वाइनिंग के उपरांत शायद हम ये चौथी बार ही अभियान चला रहे हैं सेवा पुस्तिकाओं को उनके मूल पैटर्न विभाग में लौटाने का। तो ये एक हमारे लिए एक नया कार्य नहीं है और ना ही हमारे लिए एक्चुअली टास्क है, किंतु राज्य सरकार की जो मंशा है कि 100 दिवसीय कार्य योजना में हमें इस कार्य को पूर्ण करना है, उसमें हम आप सभी उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हम 100 दिवस की कार्य योजना में अलॉटेड टाइम के काफ़ी अंदर ही इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। अच्छा, वैसे आपको लक्ष्य कितनी तारीख तक का दिया गया है? लक्ष्य सर हमें 31 मार्च 2024 तक का दिया गया है, जो कि हमारे लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। हम उससे पहले इस कार्य को संपूर्ण कर देंगे। ओके, थैंक यू। PR7 के बाद ये ऑडिटर नंदकिशोर जी बिश्नोई, इनके पास PR2 और PR4 है। नंदकिशोर जी, ये जो सर्विस बुक भेजने वाला काम है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सर, ये बहुत अच्छा है, 100 दिवस कार्य योजना में इसको लिया है और अपने सेवा पुस्तिका भिजवाने का काम पहले भी अभियान में भेजा है हमने, और ये भेजने के बाद लगभग सारी सेवा पुस्तिकाएँ वो चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वर्जन 2.0 के अंदर सर्विस बुक आया करती थी और 3.0 के अंदर सारा काम ऑनलाइन होगा, तो ये पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ एक स्टेप है। हाँ, पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ है। दूसरा सर, अब जैसे नई सेवा पुस्तिका तो आ ही नहीं रही है जी, और दूसरा रिविजन केसेस में कई बार ऐसे हर बार पेंशनर को मांगनी होती है, अपने डिपार्टमेंट को मांगनी होती है सेवा पुस्तिका। अब जब सेवा पुस्तिकाएँ सारी चली जाएगी तो काम और फास्ट हो जाएगा, रिविजन के केसेज में उनको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। PR7 PR2 और 4 के बाद हम स्टोर की तरफ चलते हैं और स्टोर में कार्यरत कर्मचारी सुंदरलाल जी सिंगड़। सुंदर जी, ये जो राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंदर हमें जो लक्ष्य मिला है सारी सर्विस बुक भिजवाने का, तो अगर हम देखें कि अगर हम 11,000 सर्विस बुक हैं सारी, अगर हम डाक से भिजवाते हैं और औसत हम ये माने कि एक सर्विस बुक में लगभग 50 रुपये खर्चा आएगा रजिस्ट्री का, तो लगभग 5.5 लाख रुपया होता है। तो आपके पास कोई प्लान है कि हम इस 5.5 लाख में राज्य सरकार के पैसे की बचत किस प्रकार करेंगे? हाँ, है ना प्लान, बताएं। जैसे ऐसे है कि जैसे अपने 11,000 फाइलें हैं जी, सारी 4 जिलों की जी सर, तो अपने 3 से 4,000 जो सर्विस बुक हैं वो सिर्फ बीकानेर शहर से ही है। ओके, डिपार्टमेंटों की उनके। ओके, ओके। तो हम उनसे जो उनके कर्मचारी है वो अपने ट्रेजरी है, पेंशन ऑफिस में आते रहते हैं जी, क्योंकि दोनों एक ही कैंपस में लग रहे हैं ऑफिस, तो ओके। तो हम उनसे समन्वय स्थापित करके उनके साथ भिजवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बाई हैंड देंगे? ठीक है, बाई हैंड देंगे उनको। ओके, ओके। और उसके बाद 3 जिले बच गए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, तो उनके भी कर्मचारी से हम क्या है कि फोन के माध्यम से संपर्क स्थापित करके उनको बुलाने का प्रयास करेंगे, उनके बाई हैंड देने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, ताकि अपने क्या है कि कम समय में ज्यादा काम की गुणवत्ता हो जाए वो। ओके, 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 ओके। अच्छा, जो कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें मतलब कर्मचारी की संख्या काफी कम है, उन्हें तो शायद आपको डाक से ही भिजवाना पड़ेगा। उनको डाक से भिजवाना पड़ेगा, उनको डाक से। ओके, ओके। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये जो 5.5 लाख का खर्चा है, इसको आप लगभग 50-60 हजार में करके राज्य सरकार लगभग 5 लाख रुपए बचा लेंगे। 5 लाख रुपए के आराम से बचा देंगे। ओके, चलिए। अच्छा, आप मुझे स्टोर विजिट करवाएंगे? बिल्कुल करेंगे। दिखाएं, ओके। और ये जो पुराने टाइम में तो मेन्यू होती थी, आज से उसे वगैरह उसका स्टोर है पूरा ये। अच्छा, सारा रिकॉर्ड काफी सुव्यवस्थित है। हाँ, अच्छा सुंदर जी, आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले वो राज्य अभिलेखागार की टीम ने विजिट किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने क्या कमेंट्स दिए थे इस बारे में? उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में उन्होंने कई विभागों के डिपार्टमेंटों में विजिट की, तो उसमें से अगर बात करें तो
उन्होंने बोला कि अभी लेखा के लेखाकार बाद के अंदर जो सबसे व्यवस्थित रिकॉर्ड है वो अपने पेंशन बीकानेर का है। इतना व्यवस्थित हमने कभी किसी का रिकॉर्ड नहीं लगा। ठीक है सुंदर जी, थैंक यू। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा विभाग कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से शिक्षा विभाग, जिसकी डीलिंग है आशीष जी शर्मा के पास। आशीष जी। जी सर। ये जो सर्विस बुक बुझाने का काम है, इसमें आपके पास सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग। लगभग कितनी सर्विस बुक है आपके पास? लगभग सर हमारे पास में 150 से ऊपर बस्ते हैं और प्रत्येक बस्ते में 20 फाइल है। ओके, लगभग 3 से 3,500 सर्विस बुक आपके पास। 3,500। ठीक है तो आपके पास पूरा संभाग है या कुछ जिले हैं? नहीं सर, मेरे पास में बीकानेर और चूरू जिलों की डीलिंग है। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर और चूरू जिले की समस्त सर्विस बुक है हमारे द्वारा 3 दिवस में भिजवा दी गई है और ये सॉर्टिंग कर ली गई है सर्विस बुकों की। ये आपको दिखाऊंगा कि जिले वाइज ये सर्विस बुक सॉर्टिंग कर चुके हैं और जो CDO कार्यालय है समस्त जिलों के, उनके जो प्रतिनिधि है उनको बुलवाने के लिए आज टेलीफोन करवा दिए गए PA साहब के द्वारा, तो वो आएंगे और ये सर्विस बुक अपने हिसाब से सॉर्टिंग करके उनको संबंधित जिले में भिजवा दी जाएगी। चलिए ठीक है सर। PR3 के दूसरे ऑडिटर लेखराम जी, आपके पास शायद शिक्षा विभाग के गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले हैं, तो लगभग कितनी सर्विस बुक है आपके पास? लगभग 1500-2000 सर्विस बुक। ओके तो आप अपना काम पूरा कर चुके हैं या कुछ बाकी है अभी? 70% काम हो गया और 30% बाकी है, वो एक में लगभग हो जाएगा। ठीक है तो आप जो आपको लोगों को लक्ष्य दिया गया 31 मार्च तक का, उससे काफ़ी पहले आप ये काम कंफर्टेबली पूरा कर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम चलेंगे प्रदीप जी पारिक, जिनके पास PR1 है जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी आते हैं। प्रदीप जी, आपके पास लगभग कितने बस्ते हैं? सर मेरे पास लगभग 85 से 88 बस्ते हैं, जिसमें मेरे पास PR1 है जो सभी संभाग के राजपत्रित अधिकारी है उनकी सर्विस बुक भेजने का काम। ठीक है, आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, तो 88 बंडल का मतलब लगभग सर्विस बुक 1600-1700 के आसपास सर्विस बुक है, जिसमें लगभग 60% के आसपास सर्विस बुक जा चुकी है। ओके चलिए, वेरी गुड, बैठिए। ठीक है, PR6 अनुराधा मैडम, मैडम आपके पास लगभग कितने सर्विस बुक्स हैं? मेरे पास लगभग 1200-1300 सर्विस बुक है और इसमें 32 बस्तों का काम, मतलब आधी सर्विस बुकों का काम पूरा हो चुका है। चलिए, आपके पास PR6 है? PR6 है। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा विभाग शायद आपके PR में ही है। चलिए ठीक है मैडम, वेरी गुड। इसके बाद हम चलेंगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी पारिक जी के पास। अशोक जी पारिक सर, ये जो सर्विस बुक भेजने वाला कार्य है, इसमें आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर मेरा जैसे PR1 के अंतर्गत मुझे लगाया है, उसके अंदर सर्वप्रथम पारिक जी, प्रदीप जी है वो सेवा पुस्तिका को डिस्पैच करेंगे। उसके बाद जो भी उनके लिफाफे हैं वो मैडम की आज्ञा अनुसार उनके लिफाफे बनाने नहीं है और समस्त विभागों के जो गेस्टेड हैं उनको देनी है, ताकि वो लिफाफे उनके एक साथ बन जाए और सारे की सारे जो विभाग हैं उनके अंदर समस्त जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका अलग अलग पास। ओके थैंक यू पारिक जी, थैंक यू।